गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर आठवीं क्लास की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 29 तिथि 19/1/2021 के लिए। घनमूल की शाब्दिक समस्याएं हमारी चल रही थी पिछले जो छुट्टियां हुई थी उनसे पहले, और अभी भी हमारी घनमूल शाब्दिक समस्याएँ ही यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेंटल मैथ क्यूज कंपटीशन ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आगे यहाँ पर प्रिया की कक्षा की घटना है। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ्स प्रतियोगिता को जीत लिया है। श्वेता ने अपने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। मैंने श्वेता को से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने श्वेता से तीन गुने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल 162 है, तो अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो माना सविता ने उत्तर दिए P, प्रिया ने सही उत्तर दिए 2P यानी कि उससे दुगने दिए, मेघा ने उससे तीन गुने दिए तो यानी कि 3P। तो प्रश्न अनुसार वो कह रहे हैं कि हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल की बात करें यानी कि मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर P × 2P × 3P = 162 यानी कि 162 बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6P³ हो जाएगी, इधर 162। तो यहाँ 6 से सबसे पहले 162 को डिवाइड करेंगे, 27 आ जाएगा, और 27 के अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो कितना आता है, 3 आता है। तो इसीलिए सविता ने सही उत्तर दिए 3, प्रिया ने यानी कि उसके दुगने दिए यानी कि 6, और मेघा ने सही उत्तर दिए 3×3 यानी कि 9 सही उत्तर उसने दिए। इसी तरीके से यहाँ पर रिया की कक्षा की घटना यानी कि चैरिटी के लिए। तो रिया दीदी, हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ितों को लोगों की सहायता के लिए कुछ धन राशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपए दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए, और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षाओं के बच्चों के बराबर धनराशि को दान दिया। इस प्रकार कुल 3375 एकत्रित हुए। तो अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान दिए और मेरी कक्षाओं के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल कितनी कक्षाओं ने रुपये दिए। तो माना यहाँ पर माना पड़ेगा, माना रिया ने धनराशि दान दी 8 रुपये, धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या 8 रुपये, धनराशि दान देने वाले कक्षाओं की संख्या 8 रुपये है यानी कि तीनों 8 हो गई। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है प्रश्न अनुसार R × R × R यानी कि तीनों को गुणा कर देंगे। 3375 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर संख्या दी गई थी कुल। तो रिया ने यहाँ पर R यानी कि R³ जो है 3375 के बराबर रहेगी, तो यानी कि हमें 3375 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा यानी कि घनमूल जिसे कहा जाता है। तो घनमूल हमने निकाला तो ये हमारा आ गया 15। रिया ने धनराशि दान दी 15 रुपये, तो कक्षा धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी कितनी है, 15 है, और धनराशि दान देने वाले कक्षाओं की संख्या भी 15 ही होगी। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये घनमूल निकालने का तरीका है। आगे यहाँ पर आइए और अब कुछ प्रश्न करें। नंबर 1, चाक के घनाकार डिब्बों का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है, तो चाक के डिब्बों की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर ये डिब्बा है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें बतानी है। तो इन सवालों को मैं अगली शीट पर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक संदेश देना चाह रहा हूँ। कोविड संदर्भ के में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश जो आपको हर वर्कशीट के अंदर दिया जा रहा है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोते रहिए। तो चलिए हम अगले उस पर शीट पर चलते हैं और इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला था हमारा यहाँ पर चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर, चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी। तो घनाकार कहा जाए या घन कहा जाए तो यानी कि वो हमारा यानी कि क्यूब ही है यानी कि घन ही है। तो घन की सारी भुजाएं होती हैं, लंबाई भी उसकी एल होगी, चौड़ाई भी एल होगी और ऊंचाई भी एल होगी, तो यानी कि L³ हम यानी कि घन का आयतन लिख सकते हैं। तो ये 1728 के बराबर होगा। एल अगर हम निकाल नहीं तो यानी कि 1728 का हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 1728 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, इसके हम फैक्टर करते हैं, तो 2×3 ये हमने यहाँ पर आपको फैक्टर करके दिखाया, और इनमें से 3-3 का जोड़ा बनाना होता है, कितने का, 3-3 का। तो 1728 के फैक्टर किए और इनमें से 3-3 के जोड़े हमने यहाँ पर बना दिए। जोड़ों में से
एक एक नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे। इनमें इस जोड़े में से हमने एक संख्या यहाँ पर लिखी दो, इस जोड़े में से एक संख्या लिखी दो और इस जोड़े में से एक संख्या लिखी तीन। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करा तो 12 यानी कि हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों 12 हमारी आ गई। इसी तरीके से अब दूसरा सवाल है किस तरीके से यहाँ पर निकालना है। दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके चार गुने पेड़ सुनील ने लगाए। तीनों लगने के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है। तो बताइए दीपक, महेश और सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो सबसे पहले जिसकी कम वैल्यू होती है उसको माना जाता है। तो माना दीपक ने जितने पेड़ लगाए एक्स, महेश ने कितने लगाए यानी कि उससे दुगने लगाए और सुनील ने क्या किया उससे चार गुने लगाए यानी कि 4x। तो पर्सन अनुसार यानी कि सभी को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4096 के बराबर होगा। इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 8x³ और यहाँ 4096 और 8 से 4096 को डिवाइड किया तो 512। 512 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो वो आता है हमारा 8 निकल कर आता है। तो इसलिए दीपक ने 8 लगाए और महेश ने उसके दुगने यानी कि 8 × 16 लगाए और सुनील ने यानी कि उसके 4 लगाए। तो 4 × 8 यानी कि 4×32 यानी कि पौधे उसने वृक्षारोपण किए। तो इस तरीके से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है, एक कोरोना उत्पादन 1 घंटे में किया जाता है उतना ही कोरोना के टीकों का मूल्य है और उतने ही उत्पादन केंद्र उस शहर के अंदर मौजूद हैं। तो यानी कि सारी की सारी चीज़ें समान हो गई तो इसलिए हम इनको यानी कि बराबर कोई भी नाम दे के मान यानी कि रख सकते हैं। तो यानी कि ए की पावर हम 3 कह सकते हैं क्योंकि तीनों का मान समान है, ए ए ए मान लिया तो तीनों को मल्टीप्लाई कर ए की पावर 3 हो गई। तो इसीलिए यानी कि ए की पावर 3 और ए की पावर 3 इसी तरीके से यहाँ पर भी ये लास्ट में भी ए की पावर 3 ही हमारी रहेगी। तो यहाँ पर हमने 2,70,00,000 को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया और यहाँ पर लिखने के बाद में हमने 3-3 के लास्ट से जोड़े बनाए, 3-3 के जोड़े लास्ट से बनाए। तो इसको हम अलग अलग अगर लिखते हैं तो इसको 1000, इसको 1000 लिख सकते हैं और 1000 को का क्यूब रूट जो हम करते हैं तो वो 10³ लिख सकते हैं, इसको भी 10³ लिख सकते हैं और 27 को अगर लिखें तो इसको 3 की पावर में लिख रहे हैं तो इसको भी 3 की पावर 3 में लिख सकते हैं यानी कि 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1000 को 10³ और यहाँ 1000 को भी 10³। तो यहाँ पर हमारा यहाँ जब हमने ये इस तरीके से किया तो इसके बाद में यहाँ पर करने के बाद में यहाँ जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं इसका तो यहाँ पर जो ये हमारा जो पावर है 3 ये कट जाएगा और सिर्फ हमारा यहाँ पर ये बच गया ये 3×10×10 यानी कि 300 ये हमारा यहाँ पर आ जाता है। इससे आगे जैसे यहाँ पर 3 ये हमारा इसका क्यूब रूट अगर हम निकालते हैं तो वो 300 हमारा निकल कर आता है। तो यहाँ तक हमारा ए की पावर 3 थी तो ये सारे पावर 3 में थे और यहाँ पर सभी की पावर को अगर हमने एक साथ करके यहाँ इससे क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर ए बराबर 300 हमारा आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसका निकाल सकते हैं। इसी यहाँ पूछा गया है सवाल कि बताएं कि कोरोना के टीकों का मूल्य कितना होगा, शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं और 1 घंटे में उत्पादन केंद्रों में कितने टीकों का निर्माण होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि 3-300 आ गई हमारी। तो सभी बच्चों को मुझे लगता है कि ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।